हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मीठी पूरियां बनाना बताने जा रही हूँ, जिसको ठुकवा भी बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं 2 कप ये गेहूं का आटा लूँगी। 1 कप मैंने ले लिया है, और ये देखिए 1 कप और ये गेहूं का आटा 2 कप हो गया। 1 कप मैं पिसी हुई चीनी ले लूँगी, और 1/2 कप ये बारीक वाली सूजी, 1/2 कप, मतलब 2:1 और 1/2 का रेशियो होना चाहिए। अगर 2 कप आटा या मैदा जो भी आप ले रहे हो, 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1 कप मैंने चीनी पाउडर डाल दिया है और 1/2 कप मैंने सूजी पाउडर डाल दिया है। सूजी पाउडर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सूजी को बारीक पीस के डाला है। इसमें 2 बड़े चम्मच गरी का बुरादा जो होता है वो डाल दूँगी, जो बाज़ार में ऐसे मिलता है। ये मैंने बुरादा 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। ये देखिए 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया है, मोटी वाली सौंफ, साबुत ही डाली है। 1 चम्मच मैं सौंफ डाल दूंगी। ये देखिए इसमें 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया है मेल्ट करके। इसको हमें मिक्स कर लेना है, इसको हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए और इसका टेक्सचर ब्रेड क्रम्ब जैसा आ जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डाल के और इसका एक हमें सख्त डो लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है ताकि हमें एक सख्त डो हमें मिल जाए। तो हम इसको गूँथ लेते हैं, जैसे आपने समोसे वगैरह का आटा गूँथते हैं वैसे ही इसका भी आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल डालना मैं भूल गई थी, मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तिल डाल के अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सख्त डो हमें लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डो रेडी हो गया है, लेकिन अभी हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो थोड़ा इसको फूलने का टाइम दे देते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और गूँथेंगे और फिर बनाएंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, हमारा आटा 20 मिनट में सख्त हो गया बिल्कुल, क्योंकि सूजी फूल जाती है। तो हमें अब इसको थोड़ा सा और गूँथ लेना है। अब हम इसमें कोई भी पानी या दूध कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उतने बड़े बड़े बॉल लेंगे, और हाथ से ही हम इसको गोल कर लेंगे। जैसे बिस्किट का साइज़ होता है उतना रखेंगे। आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं, मुझे लेकिन ये थोड़ा सा मोटा बिस्किट की तरह पसंद है, मैं बेलूँगी नहीं, ऐसे ऐसे करके दबा के, और मुझे एक साइज़ का मैं इसको कर लूँगी। ये देखिए थिकनेस आप देख लीजिए, और ये देखिए कितना बड़ा मैंने रखा है। आप चाहें तो और पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, बेल के आप इसको कुकी कटर से भी काट ले सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही बना के और थोड़े से मैं इसको रख लूँगी, उसके बाद मैं इसको तलूँगी। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो पहले ये काम कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे हम लेंगे एक बॉल, एक बराबर की बॉल लीजिएगा, आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाथ में आपके चिपक रहा हो तो आप हल्का सा घी या ऑयल लगा लीजिए, और आप तलने के लिए घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या घी, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। ये देखिए बराबर आप हथेली पे ऐसे दबाएंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा। ये देखिए बन गया है, ऐसे मैं बाकी के बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके डालेंगे, जितने आ जाए उतनी डालिए, ज़्यादा इसमें क्राउड मत इकट्ठा करिएगा नहीं तो टूट जाएंगी। मैंने एक साथ बस 4 डाला है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकने दूंगी, एकदम स्लो, जो आपका सबसे छोटा गैस हो आप उस पर रखिए, और वो भी स्लो करके, और इसको धीरे धीरे आप इसको पकने दीजिए दोनों तरफ से, एक तरफ से जब तक पक ना जाए जब तक आप इसको पलटेंगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ से लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसको धीरे धीरे करके पलट लेंगे। एक साइड से ब्राउन होने के बाद ही आप पलटेंगे, और फिर हम इसको दूसरी साइड से धीमी आंच पे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। हमें इसको एक गैस तलने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाते हैं। तो एक बैच का हम निकाल लेते हैं, फिर हम ऐसे ही दूसरा बैच भी डाल देंगे, और ऐसे ही हम सारी मीठी पूरियां ये तल लेंगे। इनको ठकुआ भी बोला जाता है कहीं कहीं, मीठी पूरियां भी बोला जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए दूसरा बैच भी लगा लेते हैं और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये मैं घी में बना रही हूँ इसलिए थोड़ा झाग ज़्यादा आ रहा है, आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी मीठी पूरियाँ तैयार है।
मैंने इसको आम के अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हमारे यहाँ आम के अचार के साथ ही सबको पसंद है, तो इसलिए मैंने आम का अचार रखा है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड, आपको मेरी ये मीठी पूरियों की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।